नमस्कार, मैं कुंदन पांडे मोंगाबे हिंदी से। आने वाले जून में यानी एक महीने बाद रियो सम्मेलन का, रियो समिट का 30 साल पूरा हो रहा है। इस 30 साल में ना केवल क्लाइमेट चेंज से संबंधित कंसर्न्स या चिंताएं बदल गई हैं, बल्कि समाज भी बहुत बदल गया है। उस समय के कंसर्न क्या थे, इस 30 साल में हमने क्या देखा, कैसे पूरी बातचीत इवॉल्व हुई है, आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मोंगाबे इंडिया के संपादक मिस्टर गोपी कृष्ण वारियर हैं। गोपी, आपका स्वागत है। गोपी, जब रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसको अभी 30 साल हो गया है, तब से आप जलवायु परिवर्तन से निपटने की दुनिया की तमाम कोशिशों के गवाह रहे हैं और आपने लगभग सभी बड़े डेवलपमेंट पर कलम चलाई है। आपकी नजर में रियो शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है? ये रियो कुंदन नमस्ते और दर्शकों को भी नमस्कार। ये रियो समिट 92 में हुआ था और उसके पहले 20 साल पहले 72 में, आपको आपको पता होगा, ऐसा ही एक शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, जहां पर केवल दो प्राइम मिनिस्टर्स थे। एक तो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो होस्ट कंट्री थे, ओलाफ पामे थे, और हमारी प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ, इंदिरा गांधी, केवल एक ऐसी एक प्राइम मिनिस्टर थी जो उस पे गई थी बाहर से। तो उस जमाने पे पर्यावरण के ऊपर ऊपर चिंता शुरू हुई थी भारत से, पर सन 1980ों में, अस्सियों में जलवायु परिवर्तन के ऊपर काफी चर्चा शुरू हुई पूरे विश्व में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तब उसके जो सिम्टम्स बोलते हैं वो दिखाना शुरू कर दिया था कई जगहों पर। तो वो शुरू हुआ और ये जो रियो में समिट हुआ 1992 में, उसके 2-3 साल पहले 1989 में आईपीसीसी का गठन किया गया था। आईपीसीसी माने इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका गठन किया गया था। तो आईपीसीसी ने अपना काम करना शुरू किया। आईपीसीसी एक एक संगठन है जो जिसमें हजारों वैज्ञानिक कई जगहों से काम करते हैं। तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और आईपीसीसी रिपोर्ट, आईपीसीसी ने ये बताना शुरू किया कि जलवायु परिवर्तन विश्व में हो रहा है। तो इसी कारण से 1992 में यूनाइटेड नेशंस माने संयुक्त संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, उन्होंने ये ऐसा एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें करीब 190 राष्ट्रों के प्राइम मिनिस्टर माने मुख्य हेड्स ऑफ स्टेट या एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स थे। तो माने सबसे पॉलिटिकल लेवल में सबसे सबसे ऊपर वाले, ऊपर के पीढ़ी के लोग उस मीटिंग में थे, ताकि जलवायु परिवर्तन और जैव वैविध्य और डेसर्टिफिकेशन, इन तीनों मुद्दों पे आ, आ, विचार हो और बाकी के जो विश्व के पर्यावरण के ऊपर मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार करके उनमें कोई डिसीशन ले सके। तो इस कारण से तो उसका सिग्निफिकेंस ये था कि सबसे पहले एक ऐसी एक विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ जिसमें पूरे पूरे राष्ट्रों के हेड्स ऑफ स्टेट ने उसमें भाग लिया, ताकि ऐसा एक सम्मेलन इसके पहले, रियो के पहले कभी हुआ नहीं था। जलवायु परिवर्तन से निपटने की इस कोशिश में लगातार बदलाव हो रहा है। 90 के दशक में जब रियो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो मुख्य चिंता क्या थी और बड़े मुद्दे क्या थे? भारत और चीन जैसे देशों की भूमिका उसमें क्या थी? क्या इनकी स्थिति में कोई बदलाव आया? कुंदन, जब 1992 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था, तब भारत और चीन को
डेवलपिंग नेशंस माने विकासशील देश के लिस्ट में डाला गया था, क्योंकि ये दोनों राष्ट्र इतना उनका उतना बड़ा उतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिस्ट में नहीं था। और इस ये जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो ये जो कन्वेंशन हुआ उसमें ये भी माना गया कि जलवायु परिवर्तन केवल अभी की समस्या नहीं है पर पुरानी ऐतिहासिक समस्या है। तो ऐतिहासिक तौर से जिन राष्ट्रों के राष्ट्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन माने इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पे हुआ है पहले हुआ था उन राष्ट्रों ने ग्रीन हाउस गैस जो एमिट किया है वो अभी भी एटमॉस्फेयर में है और उनके कारण से हमारे हम जो भी आपदा अभी पैदा हो रही है वो पुराने ऐतिहासिक तौर के ग्रीन हाउस गैस के कारण भी है और अभी जो हो रहा है इसके कारण भी है। तो ऐतिहासिक तौर से देखा जाए तो भारत और चीन ऐतिहासिक तौर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, अभी ही हुआ, पिछले 3-4 दशक में ही यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा तौर से हुआ है। तो इसी कारण से जब 1992 में रियो शिखर हुआ तब भारत और चीन को डेवलपिंग कंट्रीज के लिस्ट में डाला गया था और भारत और चीन को कोई एमिशन रिडक्शन टारगेट्स नहीं थे, माने उनको अपना ग्रीन हाउस गैस कम करने का कोई टारगेट नहीं था, उसमें नहीं था। तो 1992 में जब ये रियो शिखर सम्मेलन हुआ तब ये तय किया गया था कि जो विकसित राष्ट्र है डेवलप्ड नेशंस वो सब मिला के अपने 2008 और 2012 के बीच वो अपना जो भी उनका एमिशंस है ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस है 1990 वाला वो 1990 में जो भी उनका ग्रीन हाउस गैस एमिशन था उसमें से 5.2% कम करेंगे। माने अगर समझ लो कि आप पूरे विकसित राष्ट्रों का ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 100 यूनिट था 1990 में तो 2012 तक वो उसको 94.8% करेंगे। तो वो था उस जमाने का सोच, वो था वो जमाने में बहुत उसके बाद बहुत सारा परिवर्तन आया पर उसकी बात हम और करेंगे। तो इसमें जब आपने बताया कि भारत और चीन उस समय विकासशील देशों में गिने जाते थे और उनको माना जाता था कि एमिशन में उनका योगदान बहुत कम है और आज की स्थिति में भारत और चीन को देखा जाए तो क्या बदला है पिछले 30 सालों में और अब इनको कैसे देखा जाता है जब कार्बन उत्सर्जन की बात की जाती है, क्लाइमेट चेंज की बात की। ये भारत और चीन अभी का हाल देखेंगे तो भारत चीन सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एमिट करने वाला राष्ट्र है। इसके पहले यूएस था, अमेरिका था सबसे ज्यादा एमिट करने में, पर चीन अब उससे ज्यादा एमिट करती है और उसके बाद यूएस है और तीसरे स्थान पे अगर केवल राष्ट्र के तौर पे देखा जाए तो तीसरे स्थान पे भारत है। पर अगर हम ईयू को जो 12-18 राज्यों का एक संगठन है यूरोपियन यूनियन को उसको हम देखें तो भारत चौथे स्थान पर आती है। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर यूएस, तीसरे स्थान पर यू और चौथे स्थान पर भारत। पर इसमें मुद्दा ये था कि भारत और चीन दोनों उनका विकसन अभी पिछले 3-4 दशकों में ही शुरू हुआ है। भारत का विकसन जैसे आप जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ 1991 से शुरू हुआ, ज्यादातर तब से एक बहुत बूस्ट मिला है। पर चीन का
ये जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वैसे ही जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारा वैसे चीन का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 से शुरू हुआ है। सो तब से तो पिछले 4-5 दशकों में ही भारत और चीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादातर हुआ है। तो अभी के हिसाब से देखें तो भारत और चीन ऊपर के जगह पर है, पर आपको ये भी मानना है कि भारत अभी पूरे विश्व के 17% लोग भारत में रहते हैं। तो अगर आप ये जो भारत का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको आप अगर पर कैपिटा के तौर पे माने एक मानव का हिसाब कितना होगा इस तौर पे आप अगर विभाजित करेंगे तो भारत का बहुत छोटा है, एक भारतीय का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। वैसे चीन में भी अगर आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तब कम रहता है। जो विकसित राज्य है उनमें से पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा है, उनका पर कैपिटा भी ज्यादा है, ग्रॉस भी ज्यादा है उनकी इसमें। पिछले 30 साल भारतीय समाज के लिए भी बहुत बदलाव हो रहा है। क्या आप जैसा आपने अभी बताया कि भारत जहां 1992 में उत्सर्जन के मामले में कहीं नहीं था, अभी अगर देशों की तुलना की जाए तो तीसरे स्थान पे है, भारतीय समाज में ये सब परिवर्तन हुआ है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक रहे हैं, फैक्टर रहे हैं और मोड़ रहा है जिन्होंने यह भूमिका निभाई है, क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? कुंद 3-4 कारण रहे हैं। एक तो अगर हम इन 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 पिछले 30 साल के बारे में देखें तो एक तो हमारा ये जो दो कन्वेंशंस है जो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, भारत जो रियोस समिट से आया है, एक तो हमारा जलवायु परिवर्तन का कन्वेंशन है और दूसरा जैव वैविध्यता का कन्वेंशन है, तीसरा एक कन्वेंशन भी आया था पर उसके बारे में हम अभी जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो डेसर्टिफिकेशन माने मरुस्थलीकरण, यस उसके वो भी आया था, पर ये दो देखे तो ये दो कन्वेंशन आए थे और ये दो भारत में कैसे लागू हुआ उसके उसके ऊपर एक चरित्र है। क्योंकि यद्यपि भारत जलवायु परिवर्तन के ऊपर जब से ये रियो समिट शुरू हुआ तब से भारत बहुत इक्विटी के बारे में बहुत 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 ही स्ट्रांगली इक्विटी के बारे में बात करते आई है, एक्सटर्नली इंटरनल रिलेशंस में भारत बात करते आई है, पर अगर हम देश के अंदर के पॉलिसी के बारे में देखें तो जलवायु परिवर्तन के का ऊपर का पॉलिसी ज्यादातर शुरू हुआ है 2008 से, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज उन्होंने शुरू किया और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया और उसके बाद हर संस्था में हर स्टेट्स में अपना एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डेवलप किया। कई संस्था के क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान अच्छे हैं और एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, कई संस्थाओं के इफेक्टिव नहीं है, पर हर संस्था का एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ। तो ये और पर उसी समय जैव वैविध्य के बारे में हम देखें तो जैव वैविध्य के ऊपर भारत विश्व में पहले राज्यों में है, राष्ट्रों में है जहां पे जैव वैविध्य के ऊपर एक लॉ लेजिस्लेशन ही बना। तो उस जैव विविध के लेजिस्लेशन के ऊपर भारत के अंदर बातचीत 1993-94 से शुरू हुई और 2002 में जैव वैविध्य एक्ट बायोडाइवर्सिटी एक्ट भारत ने लाया और उसके बाद नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है चेन्नई में और हर स्टेट में 29 स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स है और करीब 275,000 से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं पंचायत्स में, ग्राम पंचायत्स में, विलेज पंचायत, नगर पंचायत में। तो
ये अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनली जैव वैविध्य के ऊपर भारत में बहुत ज्यादा काम बहुत पहले से हुआ, पर अभी के अगर हम पब्लिक अंडरस्टैंडिंग और पब्लिक डिस्कशन के बारे में बात करें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज्यादा पब्लिक अंडरस्टैंडिंग और पब्लिक डिस्कशन अभी भी चल रहा है मीडिया में, हमारे हमारे जैसे संगठनों में, पर जैव वैविध्य के ऊपर उतना ज्यादा बातचीत और उतना ज्यादा नहीं चल रहा है। पर इसके साथ दो और, इन दोनों कन्वेंशन के साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भारत में हुए पिछले 30 साल में, जिसका भी इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। एक तो था, जैसे आप जानते हो, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत ने शुरू किया, वो जिस कारण से हमारे इंडस्ट्रीज को लिबरलाइज किया गया, सर्विस सेक्टर जो तब उतना बड़ा नहीं था, सर्विस सेक्टर उसके बाद बड़ा हुआ भारत में, सर्विस सेक्टर भी लिबरलाइज्ड रहा। केवल एक सेक्टर लिबरलाइज नहीं रहा, वो अभी भी लिबरलाइज नहीं है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड और सर्विस सेक्टर है। वैसा लिबरलाइजेशन हमें खेती के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में अभी तक हुआ नहीं है, पर ये दो सेक्टर लिबरलाइज हुआ और इस कारण से हमारा बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये 30 साल में हुआ। इस कारण से भारत का ग्रीन हाउस गैस में भी ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। ग्रॉस ग्रीन हाउस गैस माने पूरे राष्ट्र का ग्रीन हाउस गैस एमिशन आप देखें, और इंडिविजुअल ग्रीन हाउस गैस में भी बढ़ोतरी थोड़ा सा हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथा एक मुद्दा, ये भी मैं आप यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि चौथा एक मुद्दा वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1992 में संविधान का 73 और 74वें अनुशोधन हुआ, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कारण से ये तीन तहत पंचायती राज सिस्टम माने अर्बन एरियाज में अर्बन पंचायत और विलेज रूरल पंचायत में तीन तहत पंचायती राज सिस्टम हुआ। इस कारण से क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि 275,000 से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं जो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में है, जो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बहुत सारे मैनेजमेंट कमिटीज ने बायोडाइवर्सिटी पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स माने जो वहां के लोग हैं उन्होंने अपने जैव वैविध्य का रिकॉर्ड किया, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स बनाया कई जगहों पे, और इन्हीं ये जो स्ट्रक्चर्स है इसमें से जैव वैविध्य के ऊपर भी बहुत सारा ट्रेनिंग हो रहा है, कई संस्थानों में ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे केरला में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे पंचायत है उन्होंने पंचायत राज एक्ट के इससे उन्होंने अपने 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 इलाके में कौन सा इंडस्ट्री आना चाहिए कौन सा इंडस्ट्री नहीं आना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने निर्णय लिया, जो पहले ऐसे निर्णय लेना मुश्किल था। तो इसमें बहुत सबको पता वाला एक डिसीजन है 2013 का नियमगिरी में, बॉक्साइट माइनिंग एल्यूमिनियम माइनिंग का उड़ीसा में एक से ज्यादा ग्राम सभा उड़ीसा में उन्होंने बोला कि हमें ये नहीं चाहिए। और उसके पहले उसके करीब करीब 20 साल पहले 1995 में गोवा में नाइलॉन 66 का एक फैक्ट्री था थापर डुपॉन्ट लिमिटेड, उसको भी वहां के लोकल पंचायत ने नहीं चाहे बोला और वो प्लांट फिर तमिलनाडु में आ गई। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पिछले 30 सालों में हुआ है। आपने 2008-9-10 तक की बात बताई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कुछ कदम उठाए थे इस दिशा में, उसके बाद 2014 में नई सरकार आई तो, और अभी सरकार को आए भी करीब 7 साल हो चुके हैं, तो भारत
का रुख जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में क्या रहा है और वर्तमान सरकार को के कदम को आप कैसे देखते हैं, क्या भारत के प्रयासों में कोई तेजी आई है, कृपया जरा विस्तार से बताएं। ये जो सरकार आई है 2014 से, उसके उस इस सरकार के आने के बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में हुआ था। उसके पहले तब तक का ये जो इंटरनेशनल डिस्कशन था जलवायु परिवर्तन के ऊपर, उसमें इतना बदलाव आया। तो जैसे आपको पता है 1992 में ऐसा था कि भारत चीन इस लिस्ट में नहीं थे और बाहर थे, पर जैसे ही जैसे 2002 में जब जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ, रियो प्लस 10 बोलते हैं, तब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर में बात कर रहे थे लोग। पर जब 2012 में फिर से रियो में रियो प्लस 20 हुआ, तब तक तो बहुत ज्यादा दबाव आने लगा कि भारत और चीन भी इसके अंदर आए, ये जलवायु उनके उनका ग्रीन हाउस गैस टारगेट रखे, नहीं तो केवल विकसित देश के टारगेट से जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम नहीं हो सकता। ऐसा बहुत सारा दबाव विकसित देशों से विकासशील देशों के ऊपर आया था। तो ये जब हुआ तो पेरिस में जो COP हो रहा था, माने कॉन्फ्रेंस, हर साल ये जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो भी लोग जो भी राष्ट्र है वो मिलते हैं। तब जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, पेरिस COP हुआ था, तब ये निर्णय किया गया था कि जो पुराना जो फ्रेमवर्क है, माने जो क्योटो प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क है जो 2012 में खत्म हुई, उसके बाद एक अगला फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। तो जब ये नया फ्रेमवर्क के बारे में बात हुआ तो अंतरराष्ट्रीय तौर पे ये निर्णय किया गया कि पुराने जैसे लिस्ट नहीं होगा, डेवलप्ड कंट्रीज विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्रों का लिस्ट नहीं होगा, पर हर राष्ट्र अपने अपने ही तौर से बताएगी कि वो जलवायु परिवर्तन के को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी नहीं करेगी। तो उसको इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं, आजकल उसको केवल नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं। तो 2014 में जब ये सरकार नेशनल डेवलपमेंट एनडीए सरकार आई थी, तो उसके बाद 2015 अक्टूबर 2 को उन्होंने अपना भारत का एनडीसी को डिक्लेयर किया, और उसमें भारत के ये इकोनॉमी में एनर्जी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का भाग है उसको बड़ा करने का बात हुआ, और ऑल्सो ये भी बात हुआ कि ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, माने वन और वनीकरण के कारण से ज्यादा पेड़ बढ़ाने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करेंगे। तो ये दो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, और इन मुद्दों पर एटलीस्ट वो रिन्यूएबल एनर्जी मुद्दों पर भारत में बहुत सारा काम चल रहा है, और ये मुद्दा हम उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तौर पे दो बार, एक 2019 में प्रधानमंत्री ने यूएन एनवायरमेंट असेंबली में बताया कि ये जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट हम 450 गीगावाट्स करेंगे 2030 तक, रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल, जो कोयला या तेल से नहीं होता एनर्जी, वो नॉन फॉसिल फ्यूल 450 गीगावाट करेंगे। और पिछले साल जब ग्लासगो में COP हुआ, तो प्रधानमंत्री ने फिर से बताया अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कि हम इसको 5000 गीगावाट करेंगे, और इसके ऊपर 500 गीगावाट करेंगे, और इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे हमने ही रिपोर्ट किया मोंगेबे इंडिया में कि 100 गीगावाट का तो टारगेट पिछले साल हम तय कर चुके हैं,
और हम एनर्जी ट्रांसिशन की सौर ऊर्जा और विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी और बाकी सब स्मॉल हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, ये सब लेके हम नॉन फॉसिल फ्यूल की और हम काम कर रहे हैं। तो ये काम अभी पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है। आपने एनर्जी ट्रांजिशन की बात की, अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है तो फॉसिल फ्यूल फिर से चर्चा में है। भारत पर भी दबाव बना था कि रूस से कच्चे तेल का आयात न किया जाए, क्या आपको लगता है कि इससे एनर्जी ट्रांजिशन पर कोई असर होगा? देखिए कुंदन, अभी तो ये हमारा एनर्जी ट्रांजिशन अभी शुरू ही हुआ है। अभी तो केवल हम 100 गीगावाट को अभी करीब हमें करीब 400 गीगावाट की जरूरत है हमें। तो उस 400 गीगावाट में हम 100, 100, 110 गीगावाट तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल से कर रहे हैं। तो अभी तो हमारा परसेंटेज के देखे तो उतना बड़ा नहीं हुआ, पर जब ये बड़ा होगा, और उम्मीद है ये कि अगर हम इस रफ्तार से चले तो 2030 तक हमारा ये टारगेट हम पहुंच सकते हैं, वो उम्मीद है। तो अगर ऐसा जब होता है, जब हम तेल और कोयला से हमें भारत को जरूरत कम पड़े, और वो भी जो इंपोर्ट आयात किया हुआ कोयला और तेल, उससे उसका हमें कम जरूरत पड़े, तो हम ये ऐसे जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ऐसे जब सिचुएशंस आएंगे तब हमारा एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर प्रभाव कम रहेगा। तो ये बहुत आपको पता होना चाहिए कि अभी जो युद्ध चल रही है, विश्व के 40% जो रिन्यूएबल 40% जो शिपिंग होता है, 40% वो फॉसिल फ्यूल शिप करते हैं। तो और रूस विश्व में बहुत महत्वपूर्ण तेल के लिए भी और नेचुरल गैस के लिए भी रूस बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोर्टर है। तो ये इतना महत्वपूर्ण वाला देश अगर वर्ल्ड मार्केट सिस्टम से अभी बाहर निकल गई है, अभी के फिलहाल एक तो युद्ध के कारण और दूसरे सैंक्शंस के कारण, तो उसका तो असर भारत जैसे राष्ट्र पर नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्रों पर असर पड़ेगा। और जो असर पड़ रहा है उसका जो इफेक्ट है वो कम होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा हमारा एनर्जी नीड्स हम रिन्यूएबल एनर्जी से करें। तो उसका वो प्रोसेस शुरू हुआ है, और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये थोड़ा और भी इसी रफ्तार से चलेगा। शुक्रिया गोपी, आपने बहुत सारी ज्ञान वर्धक बातें बताई। 1992 में रियो सम्मेलन हुआ और अभी इस पूरी यात्रा के बहुत सारे गुड़ मोड़ के बारे में हमें जानकारी मिली, बहुत सारी ऐसी बातें जो सामान्यतः चर्चा में नहीं आती है, खासकर हिंदी पाठकों के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदी के पाठक और दर्शकों को इससे फायदा मिलेगा।